नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी नेट न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगरपालिका कम्युनिटी हॉल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने एक पत्रकार वार्ता कर जिलाधिकारी एवं प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मऊ सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के नाम पर निर्दोष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने एवं उनके जमीन को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। जो लगातार प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं का और सत्ता के दलालों के, जिसकी दलाली नहीं चलती है किसी व्यक्ति विशेष के साथ, तो उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। कुछ उदाहरण दूंगा। हजारी सिंह जी हैं हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता। ऑन रिकॉर्ड ये मुख्तार के खिलाफ रहे हैं। मैं जब एसपी से मिला पिछली बार, तो एसपी ने मुझे पुलिस की रिपोर्ट दिखाई। आपके पास रिपोर्ट दिखा दी है? पुलिस की रिपोर्ट की कॉपी भी है, जिसने पुलिस ने साफ साफ लिखा है कि मुख्तार गिरोह से इनका कोई संबंध नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट है। और एसपी साहब ने मुझे बोला कि हमने तो रिपोर्ट लगा दी, हमने तो हमारे तरफ से इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। फिर एक दिन मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से देखता हूँ कि इनके ऊपर मुख्तार गिरोह का ठप्पा लगाकर कार्रवाई की जा रही है, लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है। मैं डीएम महोदय को, चूंकि अभी नए हैं और मेरी कोई मुलाकात नहीं है, इसलिए कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहता हूं, कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक जरूर सलाह है कि उन दलालों से बचें, उन अधिकारियों के खिलाफ का कितनी बड़ी, अगर ये सोचें तो प्रशासनिक शर्म की बात है कि पुलिस रिपोर्ट लगाती है कि अमुक व्यक्ति के गिरोह से अमुक का कोई लेना देना नहीं है। एसपी व्यक्तिगत रूप से मुझे आश्वासन देते हैं, और जब आप लोगों के माध्यम से समाचार आता है तो कहा जाता है कि डीएम कार्यालय से भी विज्ञप्ति आई है। तो जब डीएम और एसपी के बीच में ही सामंजस्य नहीं है, तो ये लोग जनता से सामंजस्य क्या बनाएंगे? पहली बात, पहली घटना, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। पेरिस प्लाजा का मामला आप लोगों ने सुना होगा। मतलब आपने एजेंडा तय कर रखा है कि जो आपकी पार्टी के समर्थक नहीं है या किसी समुदाय विशेष से है, उनको प्रताड़ित करना है। आपने एक मुद्दा पहले उठाया, जो मेरी जानकारी है, चेयरमैन साहब ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, कि रेवेन्यू का मामला है, वहाँ से जब रिपोर्ट आ गई तो आपने मास्टर प्लान का मामला कर दिया और उसको डिमोलिश कर दिया। दूसरा उत्पीड़न का, दो तीन दिन पहले हमारे मऊ मधुबन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हाफिज सरफराज के विद्यालय का मामला था, उसमें कानूनगो की लेखपाल की रिपोर्ट बनी हुई है कुछ दलालों का, और अगर ये सरकार के डीएम के नीचे के अधिकारी दलाल पाल कर रखे हुए, तो मैं डीएम साहब को चेतावनी देता हूँ कि नया जिला है, समाजवादियों के तेवर नहीं गए हैं। उसमें रिपोर्ट लगा है कि इनका कोई कागज का रेवेन्यू का विवाद नहीं है, इन्होंने अपनी रजिस्ट्री करा रखी है। तहसीलदार कुछ और रिपोर्ट लिखता है। मैंने एसडीएम को फोन किया, बोला आप निश्चिंत रहिए, कोई अन्याय होने नहीं देगा, और संडे को जाकर गिरा दिए। तो ऐसी घटिया सरकार जो पूर्व की बनाई गई सरकारों की संपत्तियों को या तो बेचती है, अपने चहेतों को देती है, और जो बेच नहीं पाती है, दे नहीं पाती है, उसको ध्वस्त करने का काम करती है। नकारात्मक सरकार, डिस्ट्रक्टिव गवर्नमेंट, जिस मुख्यमंत्री की भाषा गुंडे की भाषा है, अगर वो आचरण प्रशासन में आ जाए और इस तरह की घटना होने लगे, तो मैं आप लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी की तरफ से, सिर्फ जिले की इकाई नहीं, प्रदेश की और देश की पार्टी की तरफ से चेतावनी देता हूँ कि इस तरह का उत्पीड़न करना अगर जारी रखेंगे, तो इनको शायद फौज और पीएससी बुलानी पड़ेगी। मेरे एसपी के बूते की बात है, मेरे डीएम के बूते की बात है, मेरी बात को आग्रह लें या चेतावनी लें, मुझे कोई परवाह नहीं है। डीएम साहब तत्काल उस कानूनगो लेखपाल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिसने क्लीन चिट दिया है? या तो कानूनगो लेखपाल जो बेसिक रिपोर्टिंग करता है वो गलत है, या तहसीलदार गलत है, दोनों तो सही नहीं हो सकता ना। आपने कर दिया, गिरा दिया, और संडे को आप नोटिस नहीं देंगे। किस कानून में लिखा है, कौन से कानून को यहाँ का प्रशासन मानता है? अगर आप गैर कानूनी है तो आप नोटिस दीजिए। नोटिस देने घटाने की बात करें, कोई नोटिस नहीं, कोई टाइम नहीं, संडे को जाकर गिरा दे रहे हैं। जगह जगह वसूली हो रही है, किसी थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, एसडीएम के ऑफिस में जाइए, पहले पहुंचाइए, नहीं तब तक काम न हो।